अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मशरक़ की मौत जहां सबको उदास कर जाती है, वहीं पर असवद की नफरत महरीन के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसे मशल का कातिल समझता है। हालांकि ये चीज़ बाद में साबित हो जाती है, मशल ने खुदकुशी की है, लेकिन इसका सबब भी वो महरीन को ही करार देता है। अगर महरीन उसके साथ शादी के लिए हामी ना भरती, उसकी शादी मशल के साथ हो जाती तो आज मशल सबके दरमियान में ज़िंदा मौजूद होती। महरीन बेचारी कसूरवार ना होते हुए भी मुजरम बन जाती है और वो किसी पर यह चीज़ साबित भी नहीं कर पाती कि कैसे मशल ने शुरू दिन से ही उसे अपनी नफरत का निशाना बनाया है और उसे हर उसकी पसंदीदा चीज़ से महरूम करने की कोशिश की है। असद भी उसकी मोहब्बत होती है, लेकिन वो उसने कभी जाहिर नहीं किया होता, लेकिन ये भी मशल उसे छीनना चाहती थी। अगर कुदरत ने महरीन और असद की मंगनी कर दी थी तो वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझी थी और ये भी समझी थी कि उसने मशल से बदला ले लिया है, लेकिन मशल मरते मरते भी उसे मुश्किल में डाल जाती है। असद चाहता है उसकी शादी महरीन के साथ ना हो, अपनी माँ से भी यही कहता है, मशल मर गई है, अब महरीन को भी उसकी ज़िंदगी से निकाल दो। लेकिन उसकी माँ यही कहती है, मैं मशल का बुरा कभी भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बहू के रूप में महरीन पसंद थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब भी महरीन से शादी कर लो। मशल तो अब दुनिया में नहीं रही। पहले तो असद इनकार करना चाहता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में यही बात आती है कि उसे महरीन के साथ शादी कर लेनी चाहिए और उससे मशल का इंतकाम लेना चाहिए, जो कि समझता यही है कि मशल उससे मोहब्बत करती थी और असद से शादी ना होने की वजह से मशल खुदकुशी करती है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो तो सिर्फ महरीन को तबाह करना चाहती थी और अपने मकसद में कामयाब हो गई है।